everyone and welcome back to our channel Traveling Kira. So this is the next day in Vancouver and hamara office almost ho gaya hai. So this is the sea to sky highway. As you can see, हाईवे बहुत ही सुंदर है. लेफ्ट साइड में वाटर है, वाटर के बीच में आइलैंड्स दिख रहे हैं और कहीं दूर दराज स्नो कवर्ड पहाड़ दिख रहे हैं. सो यहाँ पे ना कोई न्यूज ब्रिटानिया क्रीक है जिसके पास हम हैं और यहाँ पे ब्रिटानिया माइन म्यूजियम है. यू नो व्हाट्स दैट. और इसके पास में हम देखने का तो हमारा कोई प्लान नहीं है, मगर हमें भूख लगी है तो हम कोई कैफे ढूंढ रहे हैं. एक तो यहाँ पे है चैटर बॉक्स कैफे और एक वहाँ पे है वो कुछ बड़ा सा रेस्टोरेंट है, बार एंड किचन पता नहीं. अब देखते हैं कहाँ पे कुछ हमें मिल पाएगा. कैफे लग रहा है लेकिन पेट भरने लायक कुछ मिलेगा ये नहीं पता. तो सोच रहे हैं ये कूपर बीच चल सकते हैं, है ना. कूपर बीच चल सकते हैं, पेट भरेगा वहाँ पे. यहाँ पे ब्रिटानिया माइनर्स म्यूजियम. ये ब्रिटानिया माइन म्यूजियम के पास बहुत ही प्यारा सा ये नेबरहुड है और ये है. और इधर वाला रेस्टोरेंट क्लोज था तो हम वापस चैटर बॉक्स चले गए. और यहाँ पे शायद काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, काफ़ी पिक्चर्स वगैरह लगे हुए थे. ट्रांसफॉर्मर्स, डेडपूल एंड स्कूबी डू आर फ्यू ऑफ देम. और ये कैफे बहुत ही क्यूट सा था, रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में एज यू कैन सी. और इन पत्थरों में से कॉपर माइन होता है. और अब फाइनली हम विस्लर्स जा रहे हैं. बहुत प्यारा विलेज है ये तो. विस्लर्स में है और यहाँ पे है गंडोला वगैरह चलती है यहाँ से और बहुत ही खूबसूरत जगह है. और यहाँ पे हमें एक ट्रेल दिखा तो हमने कहा थोड़ा सा चल लेते हैं. जंगलों में वैसे भी इतना लंबा ड्राइव करने के बाद कमर टूट जाती है तो थोड़ा सा वॉक करना अच्छा लगता है. This is a real tourist kind of place. Usually यहाँ पे ना स्नो के डेज में स्की वगैरह होती है और लेकिन समर में भी अच्छा वाइब है. और अब हम वापस जाएंगे, देखते हैं रास्ते में कहीं रुकते हैं या वैनकूवर में. इसको बस रूम पे रहना है क्योंकि वहाँ बाहर ट्रैम्पलिन है.